काश कि ये मछलियां समंदर में ही रह सके, वही तो उनकी असली जगह है ना? मछली और मछुआरा दोनों ही अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें अपने घर से बेघर होना पड़ा और अपनी आजादी खोनी पड़ी है ना, पर ये कर भी कह सकती है, इनका यही तो फर्ज है। क्या तुमने सीगल और फिश के प्यार की कहानी सुनी है? एक दिन जब सीगल अपना खाना ढूंढ रहा था तो उसने फिश को देखा और उससे प्यार हो गया, और फिश को भी प्यार हो गया। सीगल को उससे प्यार तो हो गया, पर वो ये भूल गया था कि जैसे ही वो दोनों पास आएंगे तभी खत्म हो जाएंगे। असल में फिश को पता था कि वो मर जाएगी, पर फिर भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। उसने उनकी बात नहीं सुनी जिन्होंने कहा यह नामुमकिन है। जिसने भी सलाह देने की कोशिश की उसने उसका साथ छोड़ दिया। सीगल को जिस फिश से प्यार हुआ था उसका इंतजार किया और उससे मिलने का फैसला किया। जब उसने फिश को तैरते देखा तो वो खुशी से उसकी ओर बढ़ा। फिश ने भी उसे देखा तो उसने छलांग लगाई और वो मर गई। फिर सीगल को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो फिश की मौत के लिए उससे माफी मांगना चाहता था पर उसे नहीं मिल पाई। हमें सीगल की ओर से सभी फिशेस से माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता चल गया है कि डैड को किसने वो सब बताया। निगार ने जाकर डैड से कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का दिया था।